बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स असलकुम आज चैप्टर फर्स्ट ईयर बायोलॉजी किंगडम एनिमिलिया में हमारा जो डिस्कशन है वो है फाइलम प्लेटी uh, तो हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में uh, सबसे पहले प्लेटी uh, इसको जो नाम है इसका तो और uh, सबसे पहले इसका जो मीनिंग है मीनिंग ऑफ प्लेटे हेलमेंथिस तो ग्रीक प्लेटी का मतलब है फ्लैट flat, और फ्लैटेंट और हेलमेंट्स का मतलब है लफ्स हेल्मेंट्स कहते हैं वोम्स को वाम्स। तो चूंकि इस फाइलम में जितनी भी एनिमल्स है जितनी भी ऑर्गेनिज्म शामिल है वो सारे के सारे वेंट्रली फ्लैटेंड है डोर्सो-वेंट्रली फ्लैटेंड यानी डसल जो बैक साइड होती है उसको हम डोरसल और जो फ्रंट यानी बैली साइड होती है उसको हम वेंट्रल साइड कहते हैं तो ये इस तरह डोरसल और वेंट्रल साइड इस तरह चिपटे होते हैं सारे एनिमल्स इसके तो इस वजह से हम इसको कहते हैं प्लेटिहल या सिंपल अल्फाज में हम इसको जो कॉमन नेम है इसका तो कॉमन नेम इसका है फ्लैट वर्म्स इसका नाम है फ्लैट वर्म्स इसकी सबसे पहले इसमें अगर आप इसका हैबिटेट देखें तो हैबिटेट जो प्लेस आप लिविंग है तो इसका मेजोरिटी ऑफ दीज एनिमल्स आर एंड पैरासाइट्स ये ज्यादातर एंडोपैरासाइट्स है यानी ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं और ये बीमारियां डिजीज भी फैलाते हैं उसमें तो ये एंडोपैरासाइट्स है और लेकिन इसमें एक आ, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया को हम ड्यूजीसिया भी कहते हैं ड्यूजीसिया तो ये जो है ना ये फ्री लिविंग है ये इसका फ्री लिविंग फॉर्म है फ्री लिविंग फॉर्म है तो ये इसका हैबिटेट हो गया हैबिटेट के बाद इसमें इस हम पढ़ेंगे सिमेट्री सिमेट्री तो लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि सिमिट्री एक ऑर्गेनिज्म के टू मिरर इमेजेस, यानी टू इक्वल हाफ्स, जब हम ये बनाते हैं एक इमेजरी रिलाइंस से तो इसको हम कहते हैं सिमिट्री सिमिट्री के बेस पे जो क्लासिफिकेशन है ऑफ किंगडम मैंने मिलिया उसको हम थ्री ग्रुप्स में तकसीम करते हैं एक उसमें ए है जिसको हम इक्वल टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते इसमें कोई सिमेट्री नहीं बनती तो वो उसमें फाइलम परिफ्रा है और कॉमन एम उसका स्पॉन्जिस सेकेंड नंबर लास्ट लेक्चर में हमने सिलेंट्रेट्स के बारे में पढ़ा था तो सिलेंट्रेट्स और इसमें एक और ग्रुप भी है कॉमजेलिस या टीनोफोरा हम इसको कहते हैं तो उसमें रेडियल सिमिट्री और उन दोनों फाइला को हम ग्रुप रेडिएटा में रखते हैं लेकिन यहां से हमारा एक और ग्रुप स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं ग्रुप बायलेट्रिया या ग्रेट बायलेट्रिया तो ये सारे जो एनिमल्स है जो इस ग्रुप में है और इससे अनवर्ड सारे ये सारे के सारे ये ग्रेड बायलेट्रिया में इंक्लूडेड है अच्छा अब हम इसको ग्रेट बायलेट्रिया में इसलिए रखते हैं क्योंकि ये इसमें बायोलेट्रल बाट्रल सिमेट्री होती है इसमें बायोलेट्रल सिमेट्री होती है अच्छा बाइलेट्रल सिमेट्री तो जो जिन एनिमल्स में बायोलेट्रल सिमेट्री होती है तो उनको हम ग्रोप और ग्रेट रेडिया बायलेट्रिया में रखते हैं और अब आप ये समझे के बायोलेट्रल सिमेट्री किसे कहते हैं जिन एनिमल्स को हम टू इक्वल नंबर वन इक्वल लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स और हाफ्स में यानी अगर आप एक ऐसे में जिनरी लाइन खेचे तो इक्वल राइट और लेफ्ट साइड इसकी बनती है तो अगर ये प्लान मौजूद हो और सेकेंड नंबर पे एंटीरियर और पोस्टीरियर इसमें एक्सेस मौजूद हो अगर आप एक ट्रांसवर्स एक लॉन्गिच्यूनल एक्सेस अगर आप इसका इस तरह एक ट्रांसवर्स वो ड्रा करें एक लाइन खेचे इमेजिनरी तो जो जिस पार्ट के साथ हेड आता है तो हेड कंटेनिंग पार्ट को हम कहते हैं एंटीरियर और जो टेल कंटेनिंग पार्ट होगा उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर साइड तो अगर ये एक्सिस मौजूद है तब भी उसमें वो बायलैटरल सिमेट्री है और नंबर थर्ड पे उसमें इक्वल डोरसल और वेंट्रल साइड्स होती है डोरसल जो बैक साइड अगर आप इस तरह काटे एक एनिमल uh, को आप इस तरह डिवाइड करें इमेजनरी लाइन से तो जो बैक साइड होती है उसको हम डोरसल साइड जो बेली साइड है फ्रंट साइड है उसको हम वेंट्रल साइड कहते हैं ठीक है तो ये तीनों प्लैस अगर एक एनिमल में मौजूद है तो उसको हम कहते हैं बाइलेट्रल सेट्रिकल एनिमल्स और इस कंडीशन को हम कहते हैं बायलैटरल सिमिट्री और इस ग्रुप को हम कहते हैं ग्रेट बायलैट्रिया और इस स्टार्टेड है फ्रॉम प्लैटिहेल्मिंथिस टू द कॉडैक्स जो हाई वर्टेब्रेट्स है मैमेलिया तक इस सारे ग्रुप बायलैट्रिया में आते हैं ठीक है थीके? तो यहां पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये सारे ये डोर्सो वेंट्रली वेंट्रली ये फ्लैटेंड है सो so, इसमें वेंट्रल साइड भी मौजूद है और इसमें इंटीरियर और पोस्टीरियर साइड भी मौजूद है और जो सिमेट्री है इसमें जो हमारा हेड रीजन का मतलब है कि इसके जितने भी न्यूरॉन्स है मेजोरिटी ऑफ न्यूरॉन्स, ये हेड रीजन में इन द फॉर्म ऑफ ब्रेन ये एग्रीगेटेड है ठीक है तो क्योंकि ये उन एनिमल्स को सूट करती है जो कि फॉरवर्ड ये फर्स्ट कर एक एनिमल है सीधा जा रहा है तो एनवायरमेंट के जो स्टीमला है उसके हेड रीजन पे स्ट्राइक करेंगे तो जो इसके लिए रिसेप्शन है तो वो न्यूरॉन है या सेंसरी जो सेल्स है वो हेड रीजन में अक्यूमुलेटेड होती है तो इन एनिमल्स में सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम होते हैं जिसको हम ब्रेन कहते हैं जो कि जबकि इसके अपोजिट में जो रेडियल सिमेट्री है उसमें एक वेब की शक्ल में न्यूरॉन्स एक वेब की शक्ल में सारे बॉडी पे फैले होते हैं क्योंकि उसके वो इस तरह सिसाइल होते हैं खड़े होते हैं अपनी जगह पे स्टिमुलस हर जगह से आता है ऐसे आते हैं ऐसे आते हैं बैक से आते है तो इसका नर्वस सिस्टम टोटल बॉडी पे फैला होना चाहिए ताकि जहां से भी एक स्टिमुलस आए उसको वो रिसीव करे तो उस टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं डिफ्यूज टाइप ऑफ सिस्टम जिसमें कोई ब्रेन नहीं होता तो वो रेडियल एनिमल्स में जिसमें क्या होता है इसमें टीनोफोरा और आप लास्ट में इनवर्टिब्रेट्स में एक चैप्टर पढ़ेंगे आ, जिसको हम कहते हैं तो लार्वल कंडीशन उस में उसमें बायोलिटलट्री होती है और, और एडल्ट रेडियल सिमेट्री होती है तो उसमें भी आ, वेब की शक्ल में प्लेक्सिस की शक्ल में इसको हम प्लेक्सिस, लब्स प्लेक्सिस हम इसको कहते हैं उसकी शक्ल में नर्वस सिस्टम आपको मिलेगा तो वो एडल्ट में वो उसमें क्योंकि वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। अच्छा तो ये इसकी सिमेट्री हो गई अब हम इसकी देखते हैं इसकी बॉडी में जो सिलोम है सिलोम पहले आप सिलोम को समझ ले क्या चीज है सिलोम है इसको हम नॉर्मली बॉडी कैविटी भी कहते हैं ठीक है या इसको हम कहते हैं स्पेस बिटवीन गट एंड स्किन स्पेस बिटवीन द गट एंड स्किन इसको हम कहते हैं सिलोम फर्स्ट करे गट कहते एलिमेंट्री कैनाल को इसको हम जी आई टी इंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी कहते हैं इंटेस्टाइन भी कहते हैं फूड पाइप भी कहते हैं तो ये फर्स्ट करे एक एनिमल है इस तरह आप इसको ऐसे काटे और आप इसको इस तरह प्रेजेंट करें इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन अगर तो एक, एक एनिमल का अगर क्रॉस सेक्शन ले तो ये क्रॉस सेक्शन में है, ये मैंने बनाया तो यहां पर ये फर्स्ट करे ये है गट और गट की जो लाइनिंग है ये बनती है एंडोडर्म से और ये आउटर ये स्किन है जो कि एक्टोडर्म से स्किन बनती है और ये एंडोडर्म से बनती है और इनके दरमियान में आपको जो जितने भी हमारे सिस्टम्स है मिसाल के मस्कुलर सिस्टम कार्डियक सिस्टम, कार्डियक मसल्स है स्केलेटल मसल्स है स्मूथ मसल्स है स्केलेटल मसल्स है यूरिनोजेनेटल सिस्टम है ठीक है तो ये जितने भी सिस्टम्स है ये मिजोड्राम से बनते हैं तो ये दरमियान में यहाँ पे आपको फर्स्ट करे यहाँ पे आपको ये मिलेगा क्या नाम है ये मिजुडर्मल ऑर्गन है मिजोडरमल ऑर्गन ये हो गए ठीक है तो यहां पर गट से जो स्किन तक जितनी स्पेस है कैविटी है तो इसको हम कहते हैं सिलोम और सिलोम में हमारे जो ऑर्गन है जो विसरल ऑर्गन जो बैली के अंदर ऑर्गन ये इसमें पड़े होते हैं सिलोम के बेस पर आ, जो किंगडम मिलिया है उसको हम थ्री ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं क्लासिफाई करते हैं एक एसिल्यूमेट्स है जिसमें ये जो केविटी है जो स्पेस है जो सिलोम है ये एबसेंट है और उसमें ये प्लेटेहेलमें जो ग्रुप है ये आता है तो ये एसिल्यूमेट्स है ये एसिलोमेट्स है ठीक एस है एसिलोमेट का मतलब है कि इसमें नो सिलोम सिलोम इसमें एब्सेंट है अब जब सिलोम एबसेंट है तो इसमें फिर यहां पे क्या चीज होगी तो यहां पर इसमें आपको एक पेरनकाइमा पेरनकाइमा टिश्यू सेल्स होते हैं वो इसमें इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो ये इसमें पेरनकाइमा ये पेरनकाइमा टिश्यू है इसमें तो जो स्पेस है इसमें जो स्पेस बिटवीन द एलिमेंट्री कनॉल एंड स्किन दिस इज फिल्ड विद द किस चीज से फिल्ड है इसमें आप पेरनकाइमा पेरनकाइमा टिश्यू इसमें आपको होते हैं हो, ये पेरनकाइमा टिश्यू इसका एज अ ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम का रोल भी आ, रोल प्ले करते हैं क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम एब्सेंट है ठीक है तो ये इसका सिलोम सिलोम इसमें इस एब्सेंट है तो मैं ये कह रहा था कि सिलोम के बेस पर हम किंगडम एनिमिलिया को थ्री ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं एक ऐसिलोमेट से एक सीडोसिलोमेट से और एक ट्रू सिलोमेट से और सिलोमेट्स ठीक है फिर जो ट्रू सिलोम है उसमें उसमें शैइजोसीलेस है और एक एंटीरोसीलेस है और फिर उधर पढ़ेंगे जहां पर वो टॉपिक आएगा ठीक है जहां जो कि जो सीडोसीलोम है वो प्रेजेंट है में और ट्रू सिलोम पे एस्केमती ऑनवर्ड यानी फाइलम एनरा से अप टू कॉर्डेट्स वो सारे ट्रू सेल्यूमेट्स है फिर उसको हम टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूट्रोस्टोम्स प्रोटोस्टोम्स में शाइजोसिलस और ड्यूट्रोस्टोम में एंटीरोलस कैविटी होती है वो उधर हम एक्सप्लेन करेंगे यहां पे हमारा काम है प्लेटिहलमिनतीस और ये समझ ले कि इसमें कोई भी सिलोम नहीं है एब्सेंट है तो इसको हम ग्रुप एस सिल्यूमेट्स में रखते हैं तो सिलोम इसमें एबसेंट है अब अगर आप इसमें बॉडी लेयर्स को देखें तो बॉडी लेयर्स के लिहाज से बॉडी लेयर्स ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी लेयर्स हम किंगडम किंग को टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं एक uh, हमारे पास है डिप्लोब्लास्टिक जिसके बॉडी में टू लेयर्स आपको मिलेंगे इसमें नेडेरिया और टिनोफोरा आते हैं ठीक है और uh, आगे ऑनवर्ड जितनी भी है प्लेटिहलमती से कॉर्डेट्स तक वो सारे के सारे ट्रिप्लो है लेकिन ये लेयर्स गैस्ट्रोला के बाद आपको नजर नहीं आएंगे गैस्ट्रोला क्या चीज है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है ठीक है एम्ब्रियोनिक में जो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होती है उसमें जैगोट बनता है जैगोट में पेर क्लीवेज होती है उसमें टू सेल फोर सेल एट सेल सिक्सटीन सेल थर्टी टू सेल सिक्सटी फोर सेल ऑनवर्ड मोरोला बनता है फिर ब्लास्ट्रोला बनता है फिर गेस्ट्रोला बनता है फिर फ्यूटस बनता है तो ये सारे जो है ये बिफोर द बर्थ स्टेजेस है इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेजेस तो ये आपको फिर बाद में नजर नहीं आती है, ये लेयर ये कौन सी लेयर्स होती है उधर भी मैंने बताया इसमें एक्टोडरम है मिजोडरम है और एंडोडरम है जो एक्टोडरम है उससे स्किन और नर्वस सिस्टम बनते हैं एंडोडरम से आ, क्या चीजें बनती है एंडोडरम से जो इनर लाइनिंग ऑफ गट है वो बनते हैं स्टमक बनता है पेंक्रियास बनता है लिवर बनता है और मिजोरम से बाकी ऑर्गन ठीक है वो जब हम ये क्लासीफाई कर उसमें फिर मैं वो उसमें डिटेल से बताऊंगा राइट अप भी करवाऊंगा यहां पे जरूरत नहीं है ठीक है तो यहां पे आपने सिर्फ इतना लिखना है कि ये ट्रिपल ब्लास्टिक है ठीक है अगर मैं इसमें आपको एक ऑर्गेनिज्म उसका क्रॉस सेक्शन जिसको प्लेनेरिया एज अ मॉडल हम यहाँ पे लेंगे जो भी सिस्टम हम इसमें पढ़ेंगे तो हम प्लेनेरिया में उसको डिस्कस करेंगे तो इसमें आ, प्लेनेरिया में मैं आपको ये सिलोम और ये जो बॉडी लेर है ये रिप्रेजेंट करवाता हूँ तो इसमें ये इसका आई स्पॉट है इसमें आई स्पॉट ऑर्गन होते हैं, और ये प्लेनेरिया है यहां पर मैं इसका ये वाला पार्ट यहां से मैं इसका क्रॉस सेक्शन बाहर एक्सपोज करवाता हूँ एक्सपोज करवाता हूँ तो ये ये इसका आई स्पॉट है और इसमें आपको ये मैंने क्रॉस सेक्शन इसका लिया जो नीचे जो इसमें आउटर लेयर है इसमें क्योंकि ये फ्री लिविंग है तो इसमें यहाँ पर आपको मिलेंगी सीलिया ठीक है ये एक्टोडरम है और इसमें ये दरमियान में यहाँ पर ये इसकी हो गई ये इसकी गट है और गट कहां से बनती है ये बनती है एंडोडर्म से जो इसकी इनर लाइनिंग है और स्टमक साथ में पेंक्रियाज वगैरह भी तो ये गट है और यहां पर इसमें आपको मिसोडर्मल जो मिजोडर्मल ऑर्गन्स है ये मिजोडर्मल ऑर्गन्स। तो ये आप यहां पे देखिए ये एंडोडरम ये मिजोडर बाद में यहां से ये बनते हैं लेकिन पहले ये लेयर होती है स्टेज में और स्किन स्किन है स्किन है क्योंकि ये फ्री लिविंग फॉर्म है ऑलरेडी मैंने बता दिया अब इसमें मैंने आपको वहां पर भी कह दिया कि जो स्पेस बिटवीन द स्किन एंड गट एलिमेंट्री इसको हम सिलोम लेकिन इसमें सिलोम नहीं है सिलोम की जगह इसमें आपको ये स्पेस फिल्ड है सेल्स टिश्यू ये टिश्यू से और इस टिश्यू में ये कौन सी से सेल्स है ये पेरन है ठीक है तो ये इसमें पैरन है तो इस डायग्राम से हमने इसमें लेयर्स के बारे में के लिए भी है और ये सिलोम के बारे इसमें के मुतालिक भी है तो ये इसका सिलोम हो गया अब इसका digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम चूंकि मैंने स्टार्ट में ये बता दिया कि मेजोरिटी ऑफ दीज एनिमल्स आर पैरासाइट्स ये एंडोपैरासाइट्स है तो जो पैरासाइट्स होते हैं ये होस्ट से अपनी जो न्यूट्रिशन है खुराक है वो लेते हैं तो वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फॉर्म में वो खुराक होती है वो फूड होती है तो जितनी भी पैरासाइट्स आपको मिलेंगे तो मोस्ट ऑफ देम हैव रिड्यूस्ड डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्टेन केसेस में वो एब्सेंट भी होता है तो इसमें या तो वो रिड्यूस्ड होता है या फिर वो कंप्लीटली एबसेंट होगा एबसेंट ये कहां पे फॉर एग्जांपल और फॉर एग्जांपल ये एबसेंट होता है टेपवॉर्म में टेपवॉर्म के बारे में हम लास्ट में भी पढ़ेंगे तो ये इस ग्रुप का एक मेंबर है टेपवॉर्म जिसको हम इसके टू स्पीशीज ज्यादातर है वैसे तो और भी है एक टीनिया सेजिनेटा टीनिया सोलियम और डाई फाइलोबोट्रियम लेटम इसकी ये स्पीशीज है तो ये रिड्यूस्ड है या एबसेंट है और इसके अलावा जो प्लेनेरिया है प्लेनेरिया इसमें ये वेल well डेवलप्ड है और इतना डिवेलप्ड है कि ये ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ बॉडी स्पेस जिसम का ज्यादातर हिस्सा ये डाइजेस्टिव सिस्टम पे बना होता है और यहां पर ये सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम है और ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि किंगिया में ओवरऑल आपको टू टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेंगे एक सेक लाइक है सेक लाइक में सिंगल ओपनिंग होती है सिंगल ओपनिंग होती है जो कि एज ए माउथ एज वेल एज एज ए दोनों के तौर पर अपना रोल प्ले करती है तो सैक लाइक डाइजेस्टिव इससे पहले हमने उसमें गेस्ट वेस्कुलर कैविटी डेरिया में पढ़ा था वो भी सैकलाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है ठीक है तो सैक लाइक तो प्लेनेरिया का डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने कहा कि इसको हम एज इस अ मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे सारे में भी हम कभी पढ़ेंगे लेकिन यहां पे सिर्फ ओनली प्लेनेरिया में मैं आपको दिखाता हूं कि प्लेनेरिया का डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह है प्लेनेरिया में हम शो करवाते हैं इसको ये इसका आई स्पॉट है ठीक है प्लेनेरिया है और यहां से इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो पोस्टीरियल से है साइड से स्टार्टेड है तो ये यहां पर ये है इसका माउथ ये इसका ये क्या चीज है इसका माउथ है माउथ अच्छा ये मैंने इसलिए बाहर दिखाया क्योंकि ये अपने फेरिंग्स को माउथ के जरिए बाहर निकालता है ये मस्कुलर होता है इसका फेरिंग्स ठीक है खुराक को पकड़ने के लिए तो ये इसके पीछे साथ में ये इसका फेरिंग्स है फेरिंग्स है फिर फेरिंग्स के बाद इसकी इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है इंटेस्टाइन, फिर इसके इसमें दो इसकी पोस्टीरियर ब्रांचेज होती है और एक इसकी एंटीरियर ब्रांच होती है ठीक है तो इंटेस्टाइन यहां से ये इसकी इंटेस्टाइन है अब इसके ये एंटीरियर ब्रांच है एंटीरियर ब्रांच है और ये इसकी पोस्टीरियर ब्रांच है टू ब्रांचेस पोस्टीरियर इसकी होती है ये पोस्टीरियर ब्रांचेस है इसमें ये जो मैंने दिखाए है ये इसमें इसको हम कहते हैं इंटेस्टिनल सी की इसको हम कहते हैं इंटेस्टिनल सी की ये चूंकि इसमें कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है तो इस वजह से आ, ये ये जो इंडस्ट्री के ये डायरेक्ट इन इनकटेक्ट होते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा कि ये मोस्ट ऑफ बॉडी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है ताकि डायरेक्ट जो सेल्स है उसको खुराक मिले ठीक है तो ये इसका ये फायदा होता है इसमें तो प्लेनेरिया में डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह होता है ठीक है तो ये इसमें जो जू प्लांट है जू जु, और फाइटन और जू प्लांट इसकी खुराक में शामिल है प्रेडेटर है एक्टिव कार्निवोर्स है ये तो ये इसका जो फेरिंग्स है इसमें तो ये इसमें ये पॉइंट नोट करने के बाद जो इसका जो फेरिंग्स है फेरिंग्स ये एक एनजेस्टिव ऑर्गन होता है एनजेस्टिव ऑर्गन यानी ये मस्कुलर होता है इसमें और स्पीशीज है जो कि फेशियोलापेटिका फिशियोला, हेपेटिका, फिशियोला और टेपोम ये सारे पैरासाइट्स है तो ये होस्ट के टिश्यू के साथ अपने आपको अटैच करता है उससे ब्लड सक करते हैं तो ब्लड को सक करने के लिए इसका ये साइज एज ए सेक्शन पंप के तौर पर काम करता है ठीक है तो इसको कहते हैं इनजेस्टिव आर्गन वॉट इज वट टेकिंग अप द फूड इन द माउथ तो ये एज ए एंडजेस्टिव ऑर्गन के तौर पर अपना रोल प्ले करते हैं तो ये इसका फेरक्स अच्छा इसमें जो डाइजेशन है डाइजेशन तो डाइजेशन में इसमें एक तो ये इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर है पॉइंट नोट करें ये एक्स्ट्रा सेलुलर है और एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब डाइजेशन ऑफ द फूड आउटसाइड द सेल ठीक है लेकिन ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर है ये इन बाय द फेरिंगल ग्लैंड ये प्रोड्यूस करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंजाइम्स ठीक है एं माउथ के जरिए इसमें खुराक इधर आती है तो जैसे ही फेरिंग्स में तो, तो फेरिंग्स में जैसी खुराक फेरिंग्स से पास होगी तो फेरिंग्स में यहां पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स लगे होते हैं और वो क्रिएट करते हैं डाइजेस्टिव इनजाइम तो वो खुराक को डाइजेस्ट करते हैं तो ये आउटसाइड द सेल है सो दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और फिर द हेपेटिक सी की इसमें इंट्रा सेलुलर डाइजेशन है तो ये ये किधर है इनसाइड द सेल इनसाइड द सेल इसमें कहां पे होती है तो सी की में आ, इसको हम इंटेस्टिनल सीकी इंटेस्टिनल सीकी कहते हैं तो इसमें ये फेगोसाइट्स होते हैं फेगोसाइटिक सेल वो उस ऑलरेडी डाइजेस्ट खोरा को एंडोसाइटोसिस के जरिए एब्सॉर्ब करते हैं टेकऑफ करते हैं और उसको वो आग, आगे डाइजेशन इंट्रासेलुलर है तो ये इसमें डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें ये हो गया ठीक है आ, इसके बाद इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद आ, इसमें जो रेस्पायरेटरी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो नेक्स्ट इसमें है रेस्पायरेटरी एंड आ, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ट्रांसपोर्ट सिस्टम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम को हम कलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं तो ये दोनों इसमें एबसेंट है अब जब ये एबसेंट है तो एक्सचेंज ऑफ जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद एनवायरमेंट ये बाय डिफ्यूजन ठीक है डिफ्यूजन के जरिए है ठीक है बॉडी सरफेस से एनवायरमेंट के साथ तो डिफ्यूजन इवन जो नाइट्रोजिनस जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है दैट इज इसमें अमोनिया इसमें बाजा एनिमल्स आपको ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो नेचर ऑफ एक्सक्रीट प्रोडक्ट है टोटल एनिमल्स में उसके बेस पे एनिमल्स जो है ना वो है, टेलिक है टेलिक है, टेलिक है। तो ये है, ये अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तो ये आ, एक्सक्रीट अमोनिया है तो ये भी ये भी डिफ्यूजन के जरिए है डिफ्यूजन के जरिए ये एक्सचेंज इसकी होती है अच्छा एस्पायरेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बाद इसमें हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका सिस्टम एक्सक्रिटिव सिस्टम में पॉइंट नोट करें इसको हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया प्रोटोनेफ्रीडिया ये आगे आप पढ़ेंगे एनेडा में मेट्रीडिया है ठीक है और उसमें भी मुलेस्का में भी नेफ्रीडिया मौजूद है तो ये कंपैरिजन ये एमसीक्यूज में आ जाती है तो ये पॉइंट नोट करे प्रोटोनिफ्रीडिया प्रो का मतलब है प्रोटो का मतलब प्रेमेटिव यानी जो सिंपलेस्ट है नेफ्रिक का मतलब किडनी सिंपलेस्ट दैट इज इस इसको हम कहते हैं फ्लेम सेल इसमें एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स होते हैं इसको फ्लेम सेल्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें टफ टॉप सिलिया सिलिया का एक गुच्छा मिलेगा जो कि फ्लिकरिंग करता है बीटिंग करता है लाइक like कैंडल एक कैंडल की तरह देट वाई दिस इज कॉल्ड फ्लेम सेल कैसे मैकेनिज्म क्या है तो मैं आपको इसमें प्लेनेरिया में वन से इसको शो करवाते हैं तो प्लेनेरिया में यहां पर एक्सक्रीट ट्रिटिब्यूल्स होती है दोनों साइड पे ये इसके एक्सक्रीटरी डक्ट्यूल्स है या डक्ट्स है ठीक है और इसमें आपको दोनों साइड्स पे दोनों साइड्स पे आपको इसमें ये फ्लेम सेल्स आपको इसमें मिलेंगे ये इसके ये हो गए इसकी फ्लेम सेल्स फ्लेम सेल्स मैं इसमें ये कुछ फ्लेम सेल्स बाहर एक्सपोज इसको मैं प्रेजेंट करवाता हूं इसमें में देखे ये है ये है फ्लेम सेल एक सिंगल फ्लेम सेल है साथ में ये इसका न्यूक्लियस है इसमें ये टफ 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 सिलिया ये सिलिया टफ्ट है यानी एक गुच्छा है इसका ग्रुप है ये मैंने दो एक साथ एडजस्ट रिप्रेजेंट करवाए हैं और ये एक्सक्रीटरी जो मैंने रेड से जाहिर किए है ये वा, ये वाली डक्ट है तो ये एक्सक्रीटरी एक्सक्रीटरी डक्ट है और तो ये जिसम से जिसम में जो फ्लूड होता है ठीक है तो वो फ्लूड इसमें ये अंदर आता है जब इसीलिए बीट करते हैं तो अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है तो नेगेटिव प्रेशर की वजह से वो फ्लूड जिसम में जो मौजूद है आउटसाइड द टिश्यू वो अंदर दाखिल होता है और वो एक्सक्रीट डक्ट में आता है और यहां से ये है नेफ्रिडियो नेफ्रिडियोपोर जो एक्सक्रीट रिपोर है ये आउटर स्किन के साथ इधर यहां पे स्किन के साथ जगह जगह पे ये अटैच होता है तो ये एक्सक्रीट्रोपोर है या नेफ्रिडियोपोर ठीक है तो ये ऐसा होता है मैं इस फ्लेम सेल को अगर मैं आपको मजीद ये फ्लूड कैसे जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है कैसे एंटर होगा तो मैं इसमें स्पेसिस होती है तो ये मैं आपको इसमें प्रेजेंट करवाता हूं एक एक फ्लेम सेल यहां पे मैं प्रेजेंट करता हूं एक फ्लेम सेल है ये एक फ्लेम से इस तरह गोल है मैंने एक क्रॉस सेक्शन इसका लिया तो क्रॉस सेक्शन में इस रीजन के साथ यहां पर आपको मिलेंगे सिलिया ये सिलिया है जो कि बीटिंग अच्छा यहां पे सेल्स है एक साइड तो मैंने ओपन नहीं किया एक साइड मैंने ओपन करवाया तो इन सेल्स के दरमियान यहां पे आपको मिलेगा स्पेस एक खाली जगह होती है स्पेस के जरिए जब ये आ, बीटिंग करते हैं इसीलिए तो अंदर इस सेल के अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है और बाहर से फ्लूड अंदर दाखिल होता है और वो फ्लूड ये एक्सक्रीटरी डकट्यूल है ये स्मॉल डक्ट्स है एक्सक्रीटरी डक है स्मॉल डक्ट्स होती है और इसमें और यहां से लार्ज एक्सक्रीटरी डक्ट में और फिर नेफ्रिडियोफोर के जरिए जिसम से बाहर ठीक है अच्छा एक और बात है इसमें एक और बात इसमें है। इसमें सिड्युपोडिया होते हैं फ्लेम सेल के साथ सीडुपोडियल प्रॉसेस होते हैं जो टोटल होते है। कि टोटल बॉडी में ज्यादातर ये फैले होते हैं किसलिए ताकि ये कलेक्ट करे जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है जो सेल से टिश्यू से बाहर मौजूद है उसको कलेक्ट ज्यादा बॉडी तक ये इसका इसकी ब्रांचेस जाए तो ये एक क्या, एक क्या फ्लेम सेल हो गया ठीक है तो ये इसका एक्सक्रिटिव सिस्टम है एक्सक्रिटिव सिस्टम के बाद इसमें इसका आ, जो नर्वस सिस्टम है तो नर्वस सिस्टम में मैं प्लेनेरिया में दिखाता हूं आपके बुक में एक ही डायग्राम के अंदर काफी सारी चीजों को दिखाया गया है मैंने इतना किया है कि मैंने हर अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग डायग्राम बनाई है ताकि उसको हम क्लियरली दिखा सके समझाने के लिए तो इसमें पर देख के एक यहां पर इसमें दोनों आईस्पॉट से इर्द गिर्द सेरेब्रिल होता है दैट द आई स्पॉट ठीक है ये गेंग्लिया। गेंग्लिया, गेंग्लिया क्या चीज है ये सेरेब्रल गैंगलिया सेरेब्रल गैंगलिया गैंगलिया क्या चीज है मिनी ब्रेन ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से बने न्यूरॉन के फिर टू जो मेजर पार्ट से इसमें एक उसमें सेल बॉडी होती है उस सेल बॉडी या सोमा हम इसको कहते हैं तो ये ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज से। और इससे दोनों साइड्स पे लेटरल और ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय और इस सेरेब्रल गैंग्लिया को से जो हेड रीजन में जो ऑर्गन है मसलन आई है उससे जो जिसको हम कहते हैं ये तो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या चीज है जो कि बॉडी ऑर्गन्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट करता है ठीक है इसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो इसका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है यहां पे जो हेड रीजन है इसको ये ब्रांचेस गई है और यहां से नर्व कार्ड्स ये क्या चीज है ये लेटरल नर्व काट है ठीक है ये सेंट्रल नोस सिस्टम है और बॉडी जो पेरिफेरल ऑर्गन है बॉडी पे जो ऑर्गन होते हैं वो इसके साथ कनेक्टेड होते हैं ट्रांसवर्स नर्व कार्ड से तो ये क्या चीज है इसको हम कहते हैं ट्रांसफर्स नर्व कार्ड्स ठीक है तो नर्वस सिस्टम ऑफ प्लेनेरिया प्लेटेलमें हेलमेंथिस इसमें आपको मिलेगा एक सेरेब्रल गैंग्लिया सेरेब्रल गैंग्लिया और सेकंड नंबर पे नर्व कार्ड्स होते हैं और थर्ड नंबर पे ट्रांसवर्स uh, तो जो नर्वस सिस्टम है ऑफ द प्लेनेरिया या प्लेटेहलमें तो ये एक सेरेब्रल गैंगलिया है इसमें नर्व कार्ड है लेटरल साइड पर भी होते हैं डोरसल साइड पर भी वेंट्रल साइड पर भी ट्रांसवर्स फिर जो एट राइट एंगल टू दैट्रल नर्व कार्ड्स ये होते हैं ट्रांसफर्ट कार्ड होते हैं कमिशोर के तौर पे कनेक्शन के तौर पे तो ये एक सीक्वेंस जो लेडर लाइक -like, अरेंजमेंट है इसकी अरेंजमेंट है और इसमें आपको साथ में सेंस ऑर्गन्स में आपको मिलेंगे आई स्पॉट आई स्पॉट अब इसका रिप्रोडक्टिव uh, सिस्टम टी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसमें नंबर वन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है सेक्शुअल प्रोडक्शन बाय मींस ऑफ फ्रेगमेंटेशन या इसको हम कहते हैं फिशन एंड रीजनरेशन फ्रेगमेंटेशन एक पेरेंटल बॉडी इसमें ये मसलन ये हाइड्रा है ये यहां पर और यहां पर इसमें ये क्या हो गई ये स्प्लिट हो गई फैशन स्प्लिटिंग ठीक है तो अब इसमें हमारे पास ये पार्ट्स आ गए प्लस इसमें ये जो मिडल पार्ट है प्लस जो लेटरल पार्ट है तो रीजनरेशन किसे कहते हैं रीजनरेशन कहते हैं रिकवरी ऑफ द लास्ट पार्ट जो पार्ट खत्म हो गया है लॉस्ट हो गया है उसको रिकवर करना तो ये इसमें अच्छा रीजनरेशन के लिए जहन में रखिए कि बॉडी में अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होने चाहिए अनडिफ्रेंशिएटेड सेल जिससे टिश्यू नहीं बने होते प्लेनेरिया के जिसम में नहीं है प्लेनेरिया में इसके लिए एक प्रोसेस है इसको कहते हैं डी डीडिफ्रेंशिएशन डिफरेंशिएशन यानी जो सेल्स ऑलरेडी डिफ्रेंशिएटेड और उससे टिश्यू बना है वो रिवर्स हो जाते हैं उससे स्टेम सेल अनडिफ्रेंशियटेड सेल बन जाते हैं और वो यहां पे जो इम्पोर्टेड पार्ट है जो कटअप पार्ट है वो यहां पे आएंगे और यहां से जनरेट जो लास्ट पार्ट है वो यहां पे रिजेनरेट करेंगे जो इसको मैं डॉटेड लाइन में डॉट में प्रेजेंट करता हूं तो ये डॉटेड जो रिकवर्ड पार्ट है ठीक है तो ये उसको रिकवर करते हैं तो ये एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन सेकंड नंबर इसमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है तो चूंकि ये सारे पैरासाइट्स है और पैरासाइट्स है जितनी भी एंडोपैरासाइट्स है और इसका साइकिल डाइजेनिक है बास के लिए साइकिल कंप्लीट करने के लिए टू होस्ट चाहिए बास को थ्री भी चाहिए ठीक है तो ये यानी इसके लार्वल स्टेज से एडल्ट जो कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल है ये बहुत कम चांसेस होते हैं तो ये इंतहाई वेल well डेवलप्ड होता है ये कंपेंसेशन के तौर पर ताकि जो वेस्टेज की जो चांसेस है उसको कम किया जा सके ठीक है तो ये वेल well डेवलप्ड होता है इसका रिप्रोडक्शन और ये हरमाफ्रोडाइट होते हैं हर्माफ्रोडाइट इसको हम कहते हैं मानीशियस जिसमें बूथ सेक्सेस कंबाइंड होते हैं मेल और फीमेल जो सेक्सेस है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो एक इंडिविजुअल के अंदर होंगे और इसमें साथ में लेकिन इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन है इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन है यानी एक इंडिविजुअल का स्पॉम दूसरे इंडिविजुअल के स्पॉम के ओवम के साथ फ्यूज करेगा तो इसको हम कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन ताकि सिमिलरिटी जो कॉपीज है वो ना बने एक जैसे ऑर्गेनिज्म ना बने तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें ऐसा होता है फर्स्ट करें ये प्लेनेरिया है ज्यादा डिटेल डायग्राम इसमें मैं नहीं बनाऊंगा ठीक है क्योंकि आपके लेवल पे ये नहीं है तो इसमें प्लेनेरियम में इसका यहां पर यहां पर प्लेनेरिया में ये ये पीनियल सेक है सेक और ये इसको हम कहते तो हैं गोनोपोर जिसके जरिए जो सिरस है यानी माइक्रोपिनस है वो बाहर निकलता है और ये ये डक्ट्स है डक्ट्स और यहां पर टेस्टीज है ये टेस्टीज हो गई ये इसकी टेस्टीज है सिंगल को मैं आईसी लिखूंगा यहां पर है, ये ओवरी है, और यहां से डक्ट एराइज है वो फीमेल गोनोपोर की तरफ आए हैं, ठीक है साथ में यहां पे आपको वाइटलाइन ग्लैंड भी मिलेंगे इसमें वाइटलाइन ग्लैंड भी आपको इसमें मिलेंगे यहां पर आपको इसमें मिलेगा सेमिनल वेजिकल भी मिलेगा जो कि स्पॉम को स्टोर करता है वेजिकल तो ये यानी डायग्राम बनाने का मकसद था कि आपको समझा सके कि दोनों सिस्टम एक ही इंडिविजुअल के अंदर है तो ये इसमें बाकायदा लार्वल स्टेज जो काफी सारे लार्वा इसमें बनते हैं तो ये इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया इसमें एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल इसमें एक एग्जाम्पल इसमें है प्लेनेरिया प्लेनेरिया ये फ्री लिविंग है सेकेंड नंबर इसमें टैप वाम टैप वाम को टैप इस वजह से कहते हैं कि ये फीती की तरह होते हैं टैप इस तरह इंतहाई छिपटे होते हैं ये ठीक है तो टेपॉम इसका जो जो दो कॉमन स्पीशीज है तो इसकी तो ये इसमें टीनिया स, आ, सोलियम है ये ये पोर्क जो पिग खजीर है उसकी गोश्त में उसके लिए इंटरमीडिएट होस्ट है पिग ठीक है और एक है टीनिया सेजिनेटा ये आ, काउस इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो काव्ज है ठीक है और नंबर थर्ड पे इसमें फिशियोला हेपेटिका फिशियोला हेपेटिका ये इसको हम कहते कॉमन नेम इसका लिवर वर्ड्स लिवर वॉम ठीक है तो ये इसमें फिशियोला हेपेटिका है आ, लिवर वॉम सॉरी लिवर फ्लूक इसका कॉमन नेम है लिवर फ्लू क्योंकि ये लिवर के अंदर एक पत्ती की तरह एक छोटी सी छोटा सा वॉर्म होता है ठीक है हेपेटिका और भी स्पीशी फिशुला जेजेंटिका है फिशुला एंट्रमीजिया है, है तो ये इसकी कॉमन ये पैरासाइट्स है ठीक है एक और है इसमें नंबर फोर्थ पे शिस्टोसोमा शिस्टोसोमा ये इसको हम कहते हैं ब्लड फ्लू ठीक है ब्लड फ्लू ब्लड के अंदर है शिस्टोसोमा इसके फिर यह जीनस है स्पीशीज और काफी सारे है शिस्टोसोमा एंडिका शिस्टोसोमा सोमा शिस्टोसोमा शिष्टोमा मैं ठीक है तो बहरहाल आप सिर्फ जीनस लिख के तो ये इसकी एग्जाम्पल हो गई इसमें मैं साथ में जो चूंकि सारे पैरासाइट्स है तो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है कि ये पैरासिटिक लाइफ के लिए किस तरह अडॉप्टेड है एडेप्टेड मीन एडेप्टेशन मीन एडजस्टमेंट टू द एनवायरमेंट तो ये पैरासिटिक मूड ऑफ लाइफ के लिए तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है पेरासाइटिक एडेप्टेश नंबर so, वन ये सेक्रेट करते हैं एंटी एंजाइम्स, चूंकि ये होश के अंदर होते हैं और होश में डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होती है वो इन वो को खत्म करेंगे। तो उसके एंजाइम के एक्शन से अपने आप को बचाने के लिए या उस एंजाइम के एक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटी एंजाइम्स इस्तेमाल करते हैं सेकेंड नंबर पे इसमें थिक क्यूटिकल है इसकी क्यूटिकल जो बॉडी वॉल है वो थिक होती है अगर निज़ाम उसके ऊपर आ भी जाए ताकि उसके एक्शन इस पर असर ना करे नंबर थर्ड इसमें अटैचमेंट के तौर अटैचमेंट के लिए होस्ट क्योंकि ये होस्ट के अंदर है उससे ये खुराक को सक करते हैं तो इसके लिए अटैचमेंट ऑर्गनज होते हैं तो मुख्तलिफ़ ऑर्गनज होते हैं उसके लिए वो हक्स इस्तेमाल करते हैं वो शक्र्स इस्तेमाल करते हैं मसलन जो फिशुला हेपेटिका इसमें एक इंटीरियर सकर है एक वेंट्रल सकर है ठीक है तो ये शकर होक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो ये हो गया नंबर फोर्थ पे इसका लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्ट सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम लोकोमोशन लोकोमोशन एंड नर्वस सिस्टम जो पैरासाइट्स होते हैं वो अपनी जगह पे खड़े होते हैं क्योंकि जहां भी होते हैं उधर इसको खुराक मिलती है तो इसको चलने फिरने के लोकोमोशन की जरूरत लोको ही नहीं होती तो ना तो इसमें आपको लोकोमोटरी ऑर्गन मिलेंगे ना इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम टेपॉर्म में मैंने बताया कि वो एबसेंट होते हैं एमसीक्यू में आ जाते हैं ठीक है और नर्वस सिस्टम भी इसका रिड्यूस्ड है क्योंकि नर्वस सिस्टम तो यूज होता है पैरासाइट पे मैं कह रहा हूं नर्वस सिस्टम तो यूज होते हैं टू तो डिटेक्ट एनवायरमेंटल चेंजेस अब ये जहां पे है वहां पे तो एक कांस्टेंट एनवायरमेंट है क्योंकि पैरासाइट के अंदर सॉरी होस्ट के अंदर है तो ये लॉस ऑफ और इसका वेल डिवेलप्ड वेल डिवेलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं एडल्टुड तक पहुंचने के लिए इसके चांसेस बड़े कम होते हैं क्योंकि इसका लाइफ साइकिल टू और थ्री होस्ट में कंप्लीट होता है तो ज़रूरी तो नहीं है कि इसको वो मुतल होस्ट मिले तो लिहाजा ये ज़ाय हो जाती है तो कंपनसेशन के लिए ये इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिवेलप होता है ताकि कुछ ना कुछ इंडिविजुअल एडल्ट तक पहुंच जाए तो ये इसके पैरासाइटिक एडप्टेशन हो गई इसमें थोड़ा सा मैं टेपॉम के बारे में समझाऊं एक लफ्ज है लफ्ज है इन्फेस्टेशन ये क्या चीज है ये है अटैक ऑफ अटैक ऑफ वम्स एक इन्फेक्शन बैक्टीरियल सेप्सिस को कहते हैं बैक्टीरियल अटैक ठीक है एक इन्फेस्टेशन अगर पेट में कीड़ी पड़ जाए ठीक है वर्म्स आ जाए तो इसको हम कहते हैं इन्फेस्टेशन इसमें इंपॉर्टेंट है जो कि इंपॉर्टेंट uh, हमारे पास हम एक एग्जाम्पल लेते हैं टेप वाम टेप में इसको हम कहते हैं हेड है, ठीक है इसके जरिए अपने आपको अटैच करता है होस्ट, स्मॉल तो इसका, इसका स्ट्रोबिला या स्ट्रोबिलस इसमें आपको सी टू सेगमेंट प्रू सेगमेंटेशन इसमें नहीं है सेगमेंटेशन आगे एनालिट में स्टार्ट है ठीक है तो ये इसमें एब्सेंट है लेकिन ये 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 जो सेगमेंट्स आपको नजर आए इसको हम कहते हैं प्रोग्लोटेड प्रोग्लोटेड ये एक सीडो ऑर्गेनिज्म होता है एक सीडो आर दिस इज नॉट अ बॉडी सेगमेंट ये बॉडी सेगमेंट नहीं है ये एक नॉन डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होता है ठीक है इसमें डाइजेस्टिव uh, सिस्टम भी आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये एक्सक्रीटिव सिस्टम मसल ये सारे इसमें आपको ये मिलेंगे तो ये टेपोम ये इसका लाइफ साइकिल में किस तरह अटैक करता है ह्यूमंस पे तो जो एडल्ट टैप में ये हमारा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ठीक है सिंपल बताऊंगा ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाऊंगा तो ये इसका लास्ट प्रोग्लोटेड फीसिस में लास्ट प्रोग्लोटेड

थ लारवा होता हैगजेंथ लार्वा ठीक है वो लार्वा क्योंकि ये सिक्स होक्ड लार्वा सिक्स होक्स होते हैं इसमें ठीक है तो ये इस प्रोग्लोटेड के अंदर होगा अब ये प्रोग्लोटेड बाहर आया ग्रासिस पे अब जब ये ग्रासिस पे आएगा तो फास करे ये ग्रासिस को ये इंटरमीडिएट होस्ट इंटरमीडिएट होस्ट इसको इस पे ईट करेगा फीडिंग करेगा इंटरमीडिएट होस्ट में बिकाओ सेव से होता है और पिग होता है या पोर्क इनकेस ऑफ टीनिया सोलियम उसके लिए ये इंटरमीडिएट वो में अब मैं बता रहा हूं जरूरी तो नहीं है कि इसको ये वाला होस्ट मिले तो इस वजह से इसका जो रिप्रोडक्टिव uh, सिस्टम है वो अच्छा खासा डेवेलप्ड होता है तो ये अगर ये इसको मिल गया तो ये आएगा इसके ब्लड में आ जाएगा ये लार्वा, जो इसमें लार्वा फ्री हो जाएगा फ्री लार्वा निकल आएगा उससे होस्ट अब ये लार्वा आएगा उसके ब्लड में ब्लड से आएगा मीट में गोश्त में या पोर्क जो पिक का जो गोश्त है उसका हम पोर्क कहते हैं अगर इसको ईटिंग अगर इसको जब आप गोश्त खा रहे हो अगर आपने इसको सही तरह नहीं पकाया अब उसमें तो वो लार्वा जिंदा है आपने तो उसको सही नहीं पकाया तो स्टमक में एक्टिव हो जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में वहां से एंटर हो जाएगा अगेन ये लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगा तो ये इन्फेस्टेशन है और लास्ट में हम इसकी पढ़ेंगे डी अब हम इसको किस तरह खात्मा करेंगे तो इसके लिए प्रॉपरलीक फूड खुराक को अच्छी तरह मीट को अच्छी तरह पकाए और इसके अलावा इसमें आप बस टाइम एनीमा भी करवाते हैं पेट खराब करना बस टाइम कुछ केमिकल्स को जिसम के अंदर थ्रोता तो एनएस इंजर्ट किया जाता है ताकि पेट खराब हो जाए जितने भी वॉर्म्स लाइफ फॉर्म्स आप वम्स है वो जिसम से निकल जाए तो एनीमा भी करवाते हैं एनीमा तो ये आ, टोटल था डिस्कशन प्रैक्टिहल उम्मीद है कि आपको समझ आए होगा थैंक यू